नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला ही है, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि व्हाट इज द बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक इंटरव्यू हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला, क्योंकि जैसे कि बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या फिर इवन फायरमैन का जो एग्ज़ाम है वो तो होता है, लेकिन वो रिटन एग्जाम ना होकर वाइवा वाइस एग्जामिनेशन होता है। सो दैट ये क्वेश्चन हर एक इंसान से पूछा जाता है जो बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास करना चाहता है उस दौरान, या फिर उस अपीयर करता है उस एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन हर एक से पूछा जाता है, तो इवन मोस्टली पीपल्स को इसके बारे में पता होता है जो कि एक शिक्षित वर्ग से होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कुछ मैं पहले ही वीडियो में वो डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से लोग पावर प्लांट इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्या लेवल होता है। तो ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है जो कि अपने इनिशियल लेवल पे स्टार्टअप कर रहे हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो बॉयलर फर्स्ट क्लास करना चाहते हैं, ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पूरा हर एक चीज़ को बताऊंगा कि बॉयलर माउंटिंग, बॉयलर एसेसरीज क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे माइंड में डाउट्स रहते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आज मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, कि क्योंकि मोस्टली जो हल्का फुल्का उनको लोगों को पता होता है, जो आपस में ही कुछ एक दूसरे से पूछ पता करके उनको कुछ ना कुछ अपने अपने ही तरीके से वो इसकी डेफिनेशन या फिर आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सो दैट आज मैं बिल्कुल इनकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, जो स्टैंडर्डाइज तरीके, बिल्कुल हिंदी में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो कि हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो अपना करियर इनिशियल लेवल पर स्टार्टअप कर रहे हैं और वो अपने करियर को एक अच्छे उस पर लेके जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉयलर माउंटिंग क्या होता है। तो एक सिंपल से ही भाषा में इसको हम बोल सकते हैं कि जो कि बॉयलर पे माउंट हो रखी होती है, जैसे कि माउंट बॉयलर यानी बॉयलर के ऊपर लगी हुई होती है, जैसे कि सेफ्टी वाल है, आपने ये बॉयलर से अटैच होता है। और इन द सेंस ऑफ यदि देखा जाए तो ये तो एक सिंपल सा वे है, और यदि इसको बोला जाए तो कि बॉयलर माउंटिंग क्या होती है, बॉयलर माउंटिंग भी चीज़ें होती है जो कि बॉयलर को सेफ ऑपरेशन यानी सुरक्षा पूर्वक चलाने में मदद करती है, क्योंकि उनके बिना हम बॉयलर को चला नहीं सकते। सो दैट्स द बॉयलर माउंटिंग वो चीज़ें होती है जो कि सेफ ऑपरेशन करने के काम आती है बॉयलर के। तो वो क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट की हुई है, मैं आपको एक एक करके उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली है सेफ्टी वाल, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट व्हाट इज द रोल ऑफ सेफ्टी वाल इन द बॉयलर ऑपरेशन। कि इनके बारे में हर एक के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो स्टार्टिंग में इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले सेफ्टी वाल, ये जब हमारा किसी कारणवश प्रेशर यानी सडनली से कोई टर्बाइन ट्रिप हो जाता है, तो क्या है एट दैट टाइम ये चीज़ें काम आती है, जब हमारा बैक प्रेशर बॉयलर पे बढ़ जाता है तो यह क्या है, एक्सेस प्रेशर को रिलीज कराने के काम आती है। नेक्स्ट बोलना है वाटर लेवल स्लाइड ग्लास, इसको बोलना है कि वाटर लेवल, पानी का लेवल देखने वाला गिलास, कि भाई जिसको हम गेज गिलास बोलते हैं, ये वाटर लेवल को फील्ड से मैनुअली देखने के लिए काम आता है। नेक्स्ट वन है प्रेशर गेज, जो कि स्टीम ड्रम या फिर हर एक सुपर हीटर या फिर डिफरेंट जोन का प्रेशर शो ऑफ करने के लिए प्रेशर गेज का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है ब्लो डाउन वाल, जैसे कि बॉयलर एक्सीड हो जाता है, फ्लक्चुएशन करता है, कभी कभी इमरजेंसी में ब्लो डाउन देना पड़ता है, या फिर सेफ ऑपरेशन के लिए हमें क्या है, यदि TDS ज़्यादा हो गया तो क्या हम उसे ब्लो डाउन दे के हम उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वन है MSSV मेन स्टीम स्टॉप वाल, क्योंकि कभी भी इवन इमरजेंसी में बॉयलर बंद करना पड़ जाए हमें, तो हम क्या करते हैं MSSV को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट वन है फीड चेक वाल, इसको NRV बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल, जो कि कई बारी फ्लूड को बैक आने से रोकता है हर एक जगह पे, आपको नो वेरी वेल अबाउट दैट।
नेक्स्ट वन है फ्यूजिबल प्लग, जो छोटे छोटे बॉयलर लगे होते हैं, जो जैसे कि फायर ट्यूब बॉयलर है, तो उसमें क्या होता है, जब कभी भी ड्रम लेवल लो आ जाता है, तो क्या है, वो जब ये 20-30% पे ये फ्यूजिबल प्लग लगा होता है, कि अभी वर्स्ट कंडीशन में यदि पानी किसी वजह से स्टीम ड्रम को पानी ना मिल पाए, तो आप उसका क्या होता है कि ये मेल्ट होकर फर्नेस के अंदर पानी डाल देता है, जिससे फर्नेस बुझ जाती है, जिससे कि हमारी फर्दर्स जो सुपर हीटर है IBH है, जो कि ओवर हीट होने से बच जाती है इससे। नेक्स्ट वन है मैन होल आप लोगों को पता है कि जो बॉयलर के अंदर जो इंस्पेक्शन करने के लिए यूज किए जाते हैं, एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है एयर वेंट भी आपको पता है कि भाई अपना जब भी हम बॉयलर इनिशियल स्टार्टअप करते हैं या फिर बंद करते हैं, इस दौरान हम ये चीज़ें एयर वेंट यूज करते हैं, ये सेम एज ये स्टार्टअप वेंट है सेम। ये तो बात हो गई बॉयलर माउंटिंग्स की। नेक्स्ट वन है बॉयलर एसेसरीज के बारे में हम बात करते हैं कि इट इज यूज फॉर द इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, इट इज ए इंट्रीगल पार्ट ऑफ बॉयलर, मीन्स दैट कि ये इंट्रीगल्स मीन होता है अभाज्यती, ये बॉयलर का भाग तो है लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन करना भी पड़ता है, क्योंकि इसको एफिशिएंट वे से चलाने के लिए हम इसका यूज भी करना चाहते हैं, कि भाई बॉयलर एसेसरी यदि सिंपल सी वे में देखा जाए तो बॉयलर एसेसरी से बोला जाएगा कि भाई ये बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। तो जैसे कि है सुपर हीटर, मेन स्टीम का टेम्परेचर एक्सीड करने के लिए हमें सुपर हीटर का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बंडल्स ऑफ ट्यूब्स लगी होती है एट द टॉप ऑफ बॉयलर, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस तरीके से ये सुपर हीटर लगे होते हैं बॉयलर के अंदर। नेक्स्ट वन है डी सुपर हीटर, आप यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। नेक्स्ट वन है इकोनोमाइजर भाई वाटर को प्री हीटिंग के लिए काम में लाया जाता है, इससे क्या है बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है एयर हीटर, APH है एयर प्री हीटर, जिससे कि हम कम्बसन एयर गर्म करके कम्बसन कराते हैं, जिससे कि हमें हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सूट ब्लोअर, हम जो सूट पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं, जिससे कि हमारा बॉयलर फ्यूल गैसेस से ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर सके। नेक्स्ट वन है फीड पम्प, कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई करने के लिए सर्किट में RDFD फैन, कम्बसन के में ये FD जो फैन है ये कम्बसन में हेल्प करता है। RD फैन है जो कम्बसन गैसेस है एक्सट्रैक्ट करता है बॉयलर से। एस हैंडलिंग सिस्टम, जो कम्बसन के द्वारा जो एस बनती है उसको निकालने के लिए काम आता है। डोजिंग सिस्टम होता है कि भाई अपना जो भी वाटर पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए काम आता है। डिहीटर क्या होता है, डिहीटर ये स्टोरेज टैंक एंड ऑल्सो रिमूव द आउट ऑफ फ्रॉम द फीड वाटर, क्योंकि अपने वाटर के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो क्या हो करता है कि जब वो वाटर जब अपना जो ऑक्सीजन उसमें एस्केप आउट हो जाता है, तो क्या है वो एज ए कोरोजन ट्यूब के अंदर कोरोजन का एक कारण बनता है। तो आपने अभी डिफ्रेंशिएट मैंने कर दिया है बॉयलर माउंटिंग क्या होती है, बॉयलर एसेसरीज क्या होती है, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। यदि फिर भी आपको लगे कि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया, जो भी आपको लगे कि कहीं पर भी कोई डाउट लगे, यदि मैंने कोई टॉपिक कोई पॉइंट इसमें मैंने गलत डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, क्रिटिसाइज के बगैर आप मुझे सजेस्ट करें कि सर आप यहाँ पे गलत हो, तो मैं श्योरली मैं 101% इस पर मैं काम करूँगा, और आपको अपनी जो मुझे मेरी बेस्ट नॉलेज है, जो मेरे मेंटोर्स की बेस्ट नॉलेज है, मैं आप तक लेके आऊँगा। तो यदि आप रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पर पावर प्लांट ऑपरेशनल मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो दैट आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, यदि फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहे सुरक्षित रहे, डोंट फॉरगेट टू स्टे होम, क्योंकि जनता का कर्फ्यू अभी लागू ही है। तो थैंक्स अ लॉट।